छत्तीसगढ़ में कुछ ही महीनों में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव है। ऐसे में रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने नगरीय प्रशासन विभाग पर पक्षपात का आरोप लगाया है। महापौर ढेबर ने कहा कि नगर निगम के 29 वार्डों में अधोसंरचना की राशि जारी हुई है और इन 29 वार्डों में बीजेपी के पार्षद है। एजाज ढेबर ने नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव से मुलाकात कर शेष वार्डों के लिए राशि जारी करने की मांग की। महापौर एजाज ढेबर के आरोप पर बीजेपी पार्षद मृत्युंजय दुबे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एजाज ढेबर कांग्रेस के 4 साल की सरकार में वार्डों में एक भी काम नहीं कर पाए, 4 साल तक भ्रष्टाचार किया और 6 महीने कार्यकाल को लेकर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। वहां से निकला है अधोसंरचना के मसले और सीधा के सीधा 29 पार्षदों के यहाँ ये टेंडर भी लग गए हैं, इनके यहाँ भूमि पूजन भी हो गया है, बाकी जो पार्षद है उनके यहाँ ये नहीं हुआ, क्योंकि इनको पता कि चुनाव अभी आने वाले हैं और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अब ठीक नहीं है, इसीलिए इन वार्डों के लिए पहले पैसा जारी कर दिया जाए। आयोग ने इसलिए 50-50 लाख रुपया जारी कर दिया है और मुझे लगता है कि ये पक्षपात कर रहे हैं। जो 4 विधायक रायपुर शहर से जीते, भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायकों ने अधोसंरचना मद में अपने क्षेत्र के वार्डों में, चाहे वो कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, निर्दलीय हो, करोड़ों रुपए के विकास कार्य करा के उन्होंने 6 महीने में ही नारियल फोड़ दिया। जिन लोगों ने 4 साल में भ्रष्टाचार नहीं किया, वो 6 महीने में भ्रष्टाचार, 6 महीने में जो विकास काम हो रहे हैं, जो 6 महीने में जो विकास काम हो रहे हैं उसको लेकर वो अब हल्ला मचा रहे हैं कि विकास कार्य में भेदभाव हो रहा है। अरे 4 साल आपको मौका मिला था, आपकी सरकार थी, आपने काम क्या किया उसको बताओ। मैं खड़ा हूँ मृत्युंजय दुबे, पार्षद भारतीय जनता पार्टी का।